हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन पेन एंड पीस ऑफ लव के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयंग को बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जोंगकुक पूरे टाइम उसे बस शांत करने की ही कोशिश कर रहा था। तेय, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, बारिश हो रहा है, इस तरह से भीगने से तुम बीमार पड़ सकते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कार तक छोड़ देता हूँ, तैयंग कहता है। नो कुकी, लिसन टू मी। तभी तेज़ कदमों से चलकर बोगम अपने हाथ में अम्ब्रेला पकड़कर वहाँ आ जाता है। बोगम जोंगकुक के सिर के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ते ही जोंगकुक नोटिस करता है उसके ऊपर अब बारिश के बूंदे नहीं गिर रहा है, लेकिन तेज उसके ऊपर अभी भी बारिश गिर रहा है। जोंगकुक पलट कर पीछे देखता है। बोगम स्माइल करके कहता है, मिस्टर जियोन, सो सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया है। आप कब से बारिश में भीग रहे हैं? ज़्यादा देर बारिश में भीगने से आप बीमार हो जाओगे, जोंगकुक कहता है। मिस्टर बोगम, आप यहाँ? बोगम कहता है, हाँ, आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने का काम मुझे ही मिला है। बोगम जोंगकुक से झूठ बोल रहा था और जोंगकुक को लगता है ज़रूर उसके मॉम और डैड उसे अकेला भेजने में घबरा रहा है, इसलिए मिस्टर बोगम को कंपनी देने के लिए उन्हें उसके पास भेजा है, जोंगकुक कहता है। ठीक है, प्लीज़ फास्ट हेल्प मी, मुझे तेय को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बोगम कहता है। लेकिन सर, आपके फ्लाइट का क्या? तैयंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लिसा ने भेजा है ना, जोंगकुक कहता है। तैयंग, तुम मिस्टर बोगम के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, तैयंग कहता है। जोंगकुक, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सब कुछ इसी के वजह से शुरू हुआ है और हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, हम दोनों के बीच जो गैप बन गया है, ये भी इसी के वजह से बना है, जोंगकुक इरिटेट होकर तैयंग से खुद को दूर कर बोगम के साथ वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है। जोंगकुक कहता है, खुश रहना, अपने पसंद के लड़की के साथ मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तैयंग जोंगकुक को रोकने के लिए जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाता है, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और तैयंग आगे तक चल ही नहीं पाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब एक घंटे के बाद जोंगकुक, आर यू देयर? कुकी, ओ होबी योंग, वो मैं, होबी कहता है। जोंगकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए हो, अब तुम्हें ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना चाहिए, इसी के वजह से तैयंग फिजिकली बीमार हुआ है और अब उसका हालत बहुत ख़राब हो गया है। कल तुमने अपने आँखों से देखा है, राइट? सो अब तुम बस चिंता करना बंद करो और अपने फ़ोन को बंद करके फ्रेश नींद लेने की कोशिश करो, जोंगकुक कहता है। ह्योंग, ये तो मैं भी जानता हूँ, बट आई कांट कंट्रोल इट, जब जब मैं सोने की या फिर काम करने की कोशिश करता हूँ, तैयंग के ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता है, होबी कहता है। इट्स ओके, कल तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है, सब कुछ ठीक हो गया है और हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हें ठीक रहना होगा, जोंगकुक कहता है। डोंट वरी ह्योंग, आई एम फाइन नाउ, अब मैं टाइम से खाता हूँ और टाइम से नींद भी पूरा करता हूँ, और हाँ, थैंक यू मुझे फ्री में थेरापी देने के लिए, लव यू, होबी कहता है। या लव यू टू, और अब तुम्हें पता है तुम्हें एक्चुअली क्या करना है, राइट? जोंगकुक कन्फ्यूजिंगली पूछना है, और मैं भूल गया मुझे क्या करना है ह्योंग, होबी कहता है। अब तुम्हें कॉल कट करके सो जाना चाहिए, ऐसे भी पूरा दिन तुम हॉस्पिटल में रहे हो, तैयंग के साथ आप रेस्ट करो, गुड नाइट, बाय। जोंगकुक यूके नहीं जा पाया था, तैयंग वो इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब नेक्स्ट डे जोंगकुक सुबह नींद से उठकर फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद सोचता है, लेट्स एटलीस्ट ट्राई टू फिक्स जो भी हमारे पास बचा है, क्योंकि क्यों नहीं, आखिर में वो ही तो था जिसे मैंने प्यार किया था, और झूठ नहीं बोल सकता कि आप भी नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये समझना होगा कि किम तैयंग को कैसे पता चला
कि ये सब प्लान था और वायन बोगम के साथ उसने जब मीट किया था उसने उनकी मुलाकात का वीडियो क्यों बनाया है। अगर उसका इरादा गलत चीज़ करने का नहीं था तो फिर ये सब कुछ रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले जोंगकुक जेहोप के पास फ्री मेडिटेशन के लिए आ जाता है। सेशन एक घंटे के बाद होबी कहता है, एक्सीलेंट, अगले सेशन में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, इस बारे में बात करेंगे कि आप दोनों अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं और ट्रस्ट को वापस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जोंगकुक कहता है, ह्योंग, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। होबी कहता है, हाँ तुम जो चाहे पूछ सकते हो। जोंगकुक कहता है, मुझे समझना है कि किम तायंग को मिस वायन और मिस लीसा के इंटेंशन के बारे में कैसे पता चला। ये मुझे पास्ट पे डाउट करने पर मजबूर करता है। अगर उसे पहले ही ये सब प्लान होने का पता चल गया था तो जब ज़रूरत था तब एक्शन क्यों नहीं लिया उसने। तभी होबी कहता है, सो मिस्टर किम तायंग, क्या जवाब देना चाहेंगे ताकि सब मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। तायंग कहता है, हाँ मैं जोंगकुक के सारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अचानक सेशन के बीच में तायंग के वॉयस सुनकर जोंगकुक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। जोंगकुक तुरंत नज़रें घुमाकर इधर उधर देखने लगता है। तायंग अंधेरे कमरे से चलकर उस कमरे में एंटर करके कहता है, जोंगकुक, तुम मुझे जो भी पूछना चाहो मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा। इस सवाल का जवाब ये है कि मुझे पहले नहीं पता था। तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने के बाद मैंने अपने लोगों से इन्वेस्टिगेट करवाया और तब हमें मिस वायन के वीडियो का पता चला। उसे सच उगालने के लिए मैंने उस पर दबाव डाला और तो और इसमें मिस लीसा भी वायन के साथ दे रही थी। दोनों मिलकर तुम्हें बोगम के ज़रिए फंसाया था। बोगम को ऑफिस के कामों के लिए पैसा नहीं मिलता था, उसे पैसा तुम्हें अप्रोच करने के लिए मिलता था। उसका काम यही था कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर दे और जितना हो सके तुम्हारे साथ टाइम बिताएगा ताकि हम दोनों में गलत फहमी पैदा हो और जलन के कारण हम आपस में झगड़े और घर में क्लैश हो। जब ऐसा नामुमकिन लगा तब उन्होंने तुम्हारे और बोगम के साथ में वीडियो और पिक क्लिक करके बहुत ही गलत तरीके से इसे एडिट करके मेरे सामने प्रेजेंट किया और वायन ने मुझे ऐसे बताया जैसे तुम और बोगम प्यार में हो और अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है और मैंने भी महसूस किया कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो और ज़्यादा टाइम बोगम के साथ रहने लगे हो। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। देन मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बाद से तुमने जिस तरह मेरा ख्याल रखा मैंने सोचा सब भुला कर एक फ्रेश स्टार्ट करूँ तुम्हारे साथ और हम दोनों साथ में खुश रहने लगे थे। लेकिन अचानक उस दिन ऑफिस में वायन को मैंने एक अर्जेंट मीटिंग पर बुलाया था। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लंच के लिए बाहर जाने वाला था लेकिन मीटिंग के बीच में वायन ने हम दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया था। मैंने बस कॉफ़ी में से एक या फिर दो सिप लिया था और मीटिंग कंटिन्यू कर रहा था। हमारे बीच वर्क से रिलेटेड बात हो रहा था लेकिन अचानक पता नहीं मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था, आंखों के सामने ब्लैक डॉट्स आ रहे थे, सर चकरा रहा था और उसके बाद मैंने देखा वायन मेरी गोद में बैठी हुई है और वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। मेरे अंदर उसे रोकने की शक्ति भी नहीं था फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया और उसी टाइम तुम वहाँ पहुँच गए और मैं उस दिन बच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है तुम ये रिपोर्ट देख सकते हो। ये उस दिन की रिपोर्ट है जब मैंने हॉस्पिटल जाकर अपने ब्लड की टेस्ट करवाया था ये जानने के लिए अचानक कॉफ़ी पीने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कॉफ़ी में ऐसा क्या था? जोंगकुक तायंग के हाथ से फाइल लेकर रिपोर्ट देखकर आंख बरी कर लेता है और धीरे से कहता है, तुम्हें ड्रग दिया गया था, मिस वायन ने ऐसा क्यों किया? होबी कहता है, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, जोंगकुक तुम सच में इतना इनोसेंट हो या फिर आप हो गए हो? वजह बहुत क्लियर है,
वन लाइक्स तयंग एंड लिसा ऑल्सो। वन लिसा का इस्तेमाल करके तयंग के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और स्टूपिड लिसा को यह बात पता ही नहीं था। उसे लगा वन बोगम का इस्तेमाल करके तुम्हें तयंग से अलग कर उसके लिए रास्ता क्लीन कर रहा है। असल में तो वन लिसा बोगम और तुम्हारे मदद से तयंग के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तयंग के दिल में सिर्फ एक ही इंसान राज करता है और वो पर्सन तुम हो कुकी। तयंग मेरा भाई है इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सच में है। हो भी कहता है तुम दोनों बात करो मैं आता हूँ। हो भी जानबूझकर दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। जोंगकुक रोने लगता है। तयंग कहता है प्लीज़ बेबी बन डोंट क्राई, माई बोबा बॉल प्लीज़ डोंट क्राई। जोंगकुक कहता है मैं डंप हूँ, क्यों मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाया, मैं सच में डंप होते ही मेरे वजह से तुमने कितना सफ़र किया। आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज़ हग मी राइट नाउ। तयंग कहता है कुकी आर यू ओके, प्लीज़ शांत हो जाओ, इट्स ओके, ये सब अब हमारे पास्ट का हिस्सा बन गया है। जोंगकुक कहता है नो तेई, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मेरे वजह से हम दोनों की डिवोर्स हो चुका है। तयंग कहता है किसने कहा हमारे डिवोर्स हो चुका है, मैंने अभी तक पेपर्स पर साइन नहीं किया, साथ जीने मरने का कसम खाया है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता, एटलीस्ट वन लाइफ तो साथ में बिताना ही पड़ेगा। जोंगकुक कहता है आई नीड यू माई बेबी टाइगर। तयंग कहता है रियली, जोंगकुक क्राइंग टोन में फ्लो में कह देता है यस। तयंग कहता है आई लव यू माई बेबी बनी। जोंगकुक कहता है इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इसे कहने में, आई लव यू टू, प्लीज़ दे, मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। एट नाइट तयंग जोंगकुक को उसके घर छोड़ने आया था, घर में मिस्टर एंड मिसेस जियोन नहीं था, दोनों किसी बिजनेस पार्टी को अटेंड करने गया है। तयंग अपने हाथों से दोनों के लिए डिनर कुक करता है। जोंगकुक बहुत शौक से तयंग के बनाया हुआ खाना खाता है। दोनों एक दूसरे के कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाता है। तयंग के करीब बैठने से जोंगकुक को अंदर से कुछ कुछ हो रहा था और तयंग के लिए भी ये बहुत मुश्किल समय था। इतने दिनों से दोनों एक दूसरे से दूर है, दोनों के बीच टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। जोंगकुक के शरीर कांप रहे थे। जोंगकुक कहता है तेई, तयंग कहता है हाँ बेबी तुम्हें कुछ चाहिए। जोंगकुक कहता है उस वायन और लिसा और साथ में मिस्टर बोगम को छोड़ना नहीं है, उन तीनों ने हमारे लाइफ को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तयंग कहता है ऑलरेडी तीनों पुलिस कस्टडी में हैं। तयंग फिर से कहता है ओके कुक, बहुत लेट हो गया है, अब मैं चलता हूँ। तभी जोंगकुक तयंग के होठों पर उंगली रख कर कहता है नो प्लीज़ स्टे। किम तयंग ने अपना सिर जोंगकुक के तरफ घुमाया, उसके दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गया था। अपने चाहने वाले से ये सुनना उसे एहसास दिलाता है कि वो इम्पोर्टेंट है और उसकी ज़रूरत है। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मेरे साथ रहो प्लीज़, जोंगकुक ने इंटेंस नज़रों से कहा। किम तयंग की आंखें नरम पड़ने लगता हैं। जोंगकुक की इस गुजारिश की गहराई समझते हुए उसने धीरे से जोंगकुक के चेहरा अपने हाथों में ले लिया, अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए मैं आज रात तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये वादा है। किम तयंग ने तसल्ली दिया सोचते हुए कि शायद जोंगकुक को डर है कि वो उसका ख्याल रखने के बाद फिर चला जाएगा उसे छोड़कर, लेकिन जोंगकुक के नज़र में कुछ और था, एक ऐसी चाहत जो इस पल से आगे बढ़ गया था। जोंगकुक कहता है रहो मेरे साथ प्लीज़ रहो, लेट्स बी टुगेदर अगेन, एक ही छत के नीचे बहुत करीब, प्लीज़ दे। उसके अल्फाज हवा में लटक गए, उन सारी उन अनसुनी बातों के साथ जो उन्होंने इतने आरसे से दबा कर रखा हुआ था। किम तयंग के आंखें बड़ी हो गई, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ ते, जोंगकुक ने कहा, उसका आवाज़ थोड़ा हल्का लेकिन मजबूत था।
मैं हमेशा मिस करता हूँ, वो सारी चीज़ें जो हमने साथ में गुजारा था। मैं चाहता हूँ कि हम उस सब को वापस बनाएं एक दूसरे के साथ बिना किसी फासले के, उसने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। तयंग का दिल तेज धड़क रहा था। जोंगकुक के अल्फाजों को सुनने के बाद दोनों के दिलों में जुदाई का दर्द था और वो दर्द अब उनके बीच में आए फासले को मिटाना चाह रहा था। जोंगकुक प्यार से कहता है, तेते क्या तुम मेरे साथ रहोगे वापस मेरे साथ एक घर में जैसे हम पहले रहते थे। तयंग के आंखों में आंसू चमकने लगता है जब उसने जोंगकुक के सच्चाई आंखों में देखा। दोनों का दर्द एक दूसरे के चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने हमेशा सपना देखा था कि वो दोनों वापस साथ आएंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही बिस्तर पर एक ही साथ एक ही बेड शेयर करेंगे और अपने प्यार के साथ हर सुबह जागेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश था कि वो अपने प्यार के साथ हो। लेकिन जो बीते हुए लम्हे उनके बीच में आ गए, उसने उस ख्याल को हमेशा के लिए दूर कर दिया था और अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा हो रहा है। पिछले सालों का वजन धीरे धीरे पिघलने लगा और नई शुरुआत का एक छोटा सा दरवाज़ा दिखने लगा। तयंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ जोंगकुक, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो हम अपने घर को, अपने प्यार को वापस बनाते हैं। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, उनके जुदाई का दर्द धीरे धीरे मिटने लगा और एक नई उम्मीद भरी जिंदगी का वादा उनके बीच में खिलने लगा। किम तयंग और जोंगकुक एक दूसरे के पास बैठे थे। रात की शांति में सिर्फ उनके दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। दुनिया का हर शोर जैसे रुक गया था और बस दोनों का एक दूसरे के साथ वो खामोशी में शायद सब कुछ कह गया। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तयंग ने धीरे से कहा। उसके आवाज़ में वो एहसास था जो सिर्फ जोंगकुक की समझ सकता था। जोंगकुक ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं था, उनके खामोशी ही काफ़ी था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं बेबी बनी, तयंग ने कबूल किया अपनी उंगलियों से जोंगकुक के हाथ पर हल्का सा स्पर्श करते हुए। ऐसे पास आके लगता है जैसे कुछ खो गया था और वापस मिल गया है, जोंगकुक ने उसके आंखों में देखा। वह सिर्फ सच्चाई थी। मैंने भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मिस किया। हम बस एक साथ रहने का एहसास जैसे ये हमेशा से ही होना था। दोनों ने एक दूसरे को बस वैसे ही गले लगाया। रात के सन्नाटे में उनका अपना एक आलम था जिसमें वो अपनी सारी दूरियां भुला रहे थे और उस पल में उन्होंने महसूस किया कि आने वाले हर मुश्किल का सामना वो साथ मिलकर करेंगे। जोंगकुक अचानक बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्ट करता है जिससे तेय पीछे हट जाता है, लेकिन जोंगकुक उसे गर्दन से पकड़ कर अपने करीब खींच कर कहता है, मिस्टर किम तयंग, डोंट मूव, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी? हाँ, तयंग कहता है, कुक ऐसा मत करो वरना तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा। जोंगकुक कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मैं पछताने के लिए तैयार हूँ तो? तयंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ जो करता हूँ क्या वो तुम्हें पसंद है? जोंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा। अचानक जोंगकुक के सांस उसके गले में ही अटक जाता है क्योंकि जोंगकुक अपने उस जगह पर तयंग के घुटनों को महसूस किया जहाँ नहीं होना चाहिए था। जोंगकुक कसकर दोनों हाथों से तयंग को पकड़ कर मुँह से आवाज़ें करता है। तयंग कहता है, टेल मी बेबी बन, जो मेरा घुटना तुम्हारे साथ कर रहा है क्या ये तुम्हें पसंद आ रहा है? जोंगकुक अपने आप को रोकने की कोशिश करते हुए हल्के से तयंग के बात पर नोट करता है। तयंग स्मार्क कर अपने डीप वॉइस में कहता है, वर्ड्स बेबी बॉय वर्ड्स। तयंग के सांसें जोंगकुक के कान में गुदगुदी कर रहा था। जोंगकुक गीकल करते हुए कहता है, यस आई लव इट तेते, प्लीज़ मुझे बेडरूम तक ले चलो। तयंग कहता है, यस मॉमी एज योर विश। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।